कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत हूँ। आज नई रेसिपी के साथ आपकी हिम्मत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप सबको ईद ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद तो गुजर चुकी है मगर रेसिपी मैं आप बना रही हूँ तो बनता था ना आपको अपने प्यारे प्यारे लोगों को ईद मुबारक कहना। तो चले मेरी तरफ से अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। ईद बहुत बहुत मुबारक पारा कह रही हूँ। आज मैं क्या अपने किचन में बना रही हूँ, जबरदस्त रेसिपी है। तो गोश्त खाकर लोग उतार जाते हैं। आज मैंने कहा चले डिफरेंट कोई बनाते हैं रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन दाबू। तो ये तो रेस्टोरेंट स्टाइल है, तो आप कहेंगे ग्रैंड होम बना रहे। तो जी हाँ, मैं खुद बना रही हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। तो उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। घर में जरूर ट्राई करें, अपने बड़ों को विश करें, मेहमानों को विश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनाब, स्टार्ट करने से पहले जो नए देखने वाले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से गिफ्ट है मेरे लिए। तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और मुझे अपने दुआ में याद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 1.5 kg चिकन था। ये मैंने बड़े पीस लिए हैं। चिकन दाबू हमेशा बड़े पीस में बनता है। ये देखें, तो मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं। इसको मैंने, ये आप पानी देख रहे हैं, इसमें मैंने 1 tablespoon मैंने डाला था नमक और 3 tablespoon मैंने सिरका डाला था और 1 glass भर के मैंने इसमें डिप करके रख दिया था तकरीबन 20 minutes के लिए और ठंडा पानी में। और फिर मैंने इसे इस तरह छाननी में डालकर इसे ड्रेन कर लिया। ये वो पानी जो हम गिरा देंगे। व्यूवर, अब चिकन हमने धोना नहीं है, हम उसी तरह निकालेंगे पानी से, क्यों चिकन हमने पहले धो लिया था। अब जब हमने सिरका वगैरह लगाना है, नमक वगैरह, उसके बाद हमने ये नहीं धोना। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैरिनेट करेंगे इसको हम। चले व्यूवर, सबसे पहले हम मसाला जात डालते हैं इसमें। जो मसाले, ये मैं आपको बता दूं, 1 teaspoon है सूखा धनिया, 1 teaspoon है मेरे पास गरम मसाला, ये हल्दी 1/2 teaspoon है, ये अमचूर है, ये मैंने 1 teaspoon डाला। ये हम डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दी अच्छी तरह। ये मेरे पास है चावल का आटा यानी राइस फ्लोर और ये मेरे पास जर्दे का रंग है, 1/2 teaspoon मैंने डाला है, ये लाजमी आप डालें, इस कलर बहुत जबरदस्त निकलेगा। ये मैं डाल रही हूँ इसमें। 5 tablespoon मैंने डाले हैं चावल का आटा। अब ये मैं बेसन डाल रही हूँ, ये 3 tablespoon है, ये डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक है मेरे पास हसबे जायका, हम डालेंगे। ये धड़ा मिर्च है मेरे पास, 1 teaspoon मैंने भर के डाला, ये लाल मिर्च पीसी हुई 1 teaspoon है भर के मैंने ये डाला। आप हसबे जायका भी यूज कर सकते हैं अगर ज्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है क्रिस्पी बनाने के लिए, ये हम डालेंगे 7 tablespoon है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये मैंने 2 tablespoon लिया है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये 2 अंडे हैं, ये डालेंगे हम बिस्मिल्लाह। ये सफेद तिल मैं डाल रही हूँ 2 tablespoon, बकाया हम डालेंगे जब फ्राई करेंगे उसके उस वक्त। ये मैंने 2 tablespoon डाले हैं। अब हम इनको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे सबको अच्छी तरह। व्यूअर्स, अब हम इसको 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें जो मसाला है रच बस जाए, बाद में हाजिर होते हैं। चले व्यूवर्स, ये तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं, मैरिनेट हो चुका है चिकन हमारा, ये देखें जबरदस्त। तो अब इसमें इधर मैंने ऑयल रखा है बिल्कुल फ्लेम, लो फ्लेम पे ये मैंने गरम किया है फ्राई करने के लिए, हमने लो फ्लेम पे गरम करना है। ये हम चिकन दाबू बनाने लगे हैं। अब ये तिल है, ये मैं अब और डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले बस, अब हम इसे फोल्ड करते हैं, देखते हैं। ये देखें, अलग हो चुके हैं माशाल्लाह, ये देखें। अब हम इसको हाफ फ्राई करना है यानी अभी हम निकालेंगे
10 मिनट बाद हम इनको दोबारा फुल फ्राई करेंगे और माशाल्लाह जबरदस्त रेसिपी, अंदर से जूसी ऊपर से क्रिस्पी। तो चलो व्यूअर्स ये देखें, मैंने फुल कुक नहीं किए यानी हाफ फ्राई किए हैं, अब हम इसको निकालते हैं। 10 मिनट के बाद हम इनको दोबारा फ्राई करेंगे। हम सारे नहीं फ्राई करेंगे, बस इतने में कर लेती हूँ, बकाया मैं फ्रीजर में रख दूंगी। चले व्यूअर्स ये सारे 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्राई करके रखे, अब मैं दोबारा करती हूँ फ्राई इनको। बिस्मिल्लाह 10 मिनट बाद आपने लाजमी करनी है, बहुत जबरदस्त रेसिपी है जी ये। मैं फ्राई करके उसके बाद ये भी करूंगी, फिर हम डिश आउट करते हैं। चलो व्यूअर्स ये 10 मिनट बाद मैंने निकाल लिया, दोबारा फ्राई किया, ये मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। व्यूअर्स ये जो ऊपर मसाला लगा होता है, तिल वगैरह जो भी मसाला, ये भी साथ रख दिया करें, बहुत क्रिस्पी और मजेदार सा होता है। एक साइड पे ये भी रख दिया करें। चलिए ये मैं एक साइड पे रख रही हूँ ऊपर। चले तो लीजिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी चिकन दाबू तैयार है। मेरा कि आपको बहुत पसंद आएगी, घर में जरूर ट्राई करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये साथ मैंने टमाटो केचप रखा है। तो चले इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम रेसिपी के साथ जरूर हाजिर होंगे। इजाजत दें, खुदा हाफिज़।